नमस्कार, आप लोग का स्वागत है आरएमएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु अणु और आयन चैप्टर 3। उससे क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे वो अति लघु प्रश्न हो, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो अंकीय प्रश्न हो, तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल पर नए नहीं होंगे। आप इस चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियोस में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कार्बन ऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात है 3:8 रहता है, तो यह जो है किस नियम के अनुकूल है। ठीक है बाबू, चलो। तो कार्बन ऑक्साइड के जो नमूने हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमानों का अनुपात है कितना है, 3:8 है, तो यह किस नियम के अनुकूल है, इसे हम किस नियम के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है बाबू, चल। तो ऑप्शन में क्या दे दिया है, पदार्थ की अनस्वरता का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, अपवर्त्य अनुपात का नियम और गैसीय आयतन का नियम। ठीक है, तो गैसीय आयतन का नियम और अपवर्त का नियम, ये दोनों तो इसी ऐसे ही कट गए। ठीक है, बच गए तुमको एक पदार्थ का अनस्वरता का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम को ही हम निश्चित अनुपात का भी नियम कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बाबू, निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, चलो। तो यार, यहाँ तो तुम इसको स्थिर अनुपात को या तुम निश्चित अनुपात को, हम सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ का जो अनस्वरता का जो नियम है वह क्या कहता है। ठीक है, तो पदार्थ का अनस्वरता का नियम क्या कहता है बाबू, कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उसका जो द्रव्यमान होगा, यानी यदि हम मान लें कि ये जो है बी से अभिक्रिया करके सी और डी का निर्माण कर रहा है, ठीक है, ये जो है बी से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, सी और डी का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, तो ए और बी का जो कुल द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, सी और डी के मिलाने पर उतना ही द्रव्यमान होगा। ये कौन बताता है, पदार्थ की अनस्वरता का नियम बताता है। इसमें तुमको क्या दे दिया, अनुपात दे दिया है बाबू। ठीक है, कि ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है, कार्बन के अनुपात के द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो अनस्वरता का नियम होगा नहीं। ठीक है, इसलिए बच क्या कौन गया, तुमको स्थिर अनुपात का नियम ना या निश्चित अनुपात का नियम का। ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात का नियम जो है तुमको बताता है कि यदि कोई पदार्थ का निर्माण हो रहा है, सपोज करो कि H2O का निर्माण हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर CO2 दे दिया, तो CO2 पर चलते हैं। ठीक है, तो CO2 में कार्बन का मास कितना हो जाता है, 12 ना, और ऑक्सीजन का 2 है ना, तो 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, तो 12 और 32 का जो तुम रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, चरतियाई 12 और चरठी 32, 3:8 आ रहा है कि नहीं, 3:8 किस में आ रहा है, निश्चित अनुपात में ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। किस वैज्ञानिक के अनुसार जो है जो परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है, यानी परमाणु का जो है विभाजन क्या है, संभव नहीं है, तो यह बात किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो यह बात जो है तुमको सर जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, यानी इसका जो है विभाजन संभव नहीं है। ठीक है, आगे तत्व के वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी अभिक्रियाओं में क्या होता है, वह भाग लेता है। ठीक है, जो मुक्त रूप में नहीं रहते, तो मुक्त रूप में कौन नहीं रहते हैं बाबू, अणु तो मुक्त रूप में रहते हैं बाबू, जो तत्व का वैसा सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में रहते हैं। ठीक है, तो मुक्त रूप में और अभिक्रियाएं भाग लेते, पिंड और नाभिक तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अभिक्रिया में सिर्फ अणु और परमाणु में भाग लेते हैं ना, तो अणु जो है जो मुक्त रूप में रहता है और परमाणु जो है क्या होता है, मुक्त रूप में नहीं रहता है। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, ग ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। ठीक है, तो एक परमाणु अणु के रूप में कहने का मतलब है कि किसको जो है हमेशा एक परमाणु के रूप में, यानी अकेले रहता है। ठीक है, यानी वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो तुम हाइड्रोजन को ऐसे भी लिख सकते हो, H2 भी हम लिखते हो, हाइड्रोजन को दो तरह से भी नहीं लिखते हो, क्लोरीन को भी Cl लिखते हो और Cl2 लिखते हो, सल्फर को S भी लिखते हो, H2 लिखते हो, S8 लिखते हो। ठीक है, पर आर्गन जो है हमेशा Ar ही रहेगा। इसका रीजन क्या है, आर्गन क्या होता है, इनर्ट गैस होता है। ठीक है, इनर्ट गैस कहो, नहीं तो तुम इसको क्या कह सकते हो, निष्क्रिय गैस, यानी यह क्या है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यदि वह अभिक्रिया में भाग लेगा ही नहीं तो उसका परमाणु क्या होगा, बढ़ेगा,
तो हमेशा क्या हुआ, इनर्ट गैस रहेगा, क्या हुआ, एक परमाणु कण के रूप में रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ आर। आगे बढ़ जाओ। तत्व ए और बी की संयोजकताएं जो है, जो क्रमशः 3 और 2 है, ठीक है। तो तत्व ए की जो संयोजकता क्या है, 3 है, और बी की जो संयोजकता क्या है, 2 है। इन तत्वों के संयोग से जो बने जो का सूत्र होगा वो क्या होगा। तो तुमको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझते हैं कि 3 संयोजकता किसके होते हैं बाबू, एल्युमिनियम के, और 2 संयोजकता किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो इससे बने जो पदार्थ होते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3 ना। तो यानी क्या हो जाएगा, जो 3 वाला है उसका क्या हो जाएगा, 2 ना। तो 3 A की संयोजकता है तो इसको हम 2 लिखेंगे, और बी की 2 संयोजकता है तो इसको हम 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A2B3। A2B3 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, चलो तो A2B3 हो जाएगा। इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको चेक कर लेता हूँ, ख में ऑप्शन है क्या है ही A2B3, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और यह कैसे होता है, इसको 4 से रिलेट करके बनाया जाता है बाबू, ठीक है। इसको प्लस माइनस एल्यूमिनियम पर क्या होता है, चार्ज क्या होता है, +3 होता है, और ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होता है, -2 होता है, ठीक है। चलो तो यदि तुम और जानना चाहोगे तुम जान सकते हो कि जो उतने भी यौगिक बनते हैं वो क्या बनते हैं, जो खास करके जो आयनिक यौगिक बनते हैं उसमें क्या होता है, जो आयनिक यौगिक बनते हैं उसमें क्या होता है, चार्ज का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। यानी हम दोनों को कंबाइंड रूप क्या होना चाहिए, 0। जैसे +3 है ना, तो एल्यूमिनियम +3 2 से गुना कर दोगे तो +6 हो जाएगा, ये 3 है -2 से करोगे तो -6 हो जाएगा, कट करके 0 आ गया कि नहीं, ठीक है। चलो यानी ये सूत्र है, इस तरह से निकलता है सारे जो है। आगे बढ़ जाओ। सोडियम फॉस्फेट, तो सोडियम फॉस्फेट, तो सोडियम का चार्ज क्या होता है, +1। अब फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, PO फॉर्मूला, इसका चार्ज क्या होता है, -3। इसको यदि हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, Na3PO4। Na3PO4 है तुमको ऑप्शन में, कहीं ऑप्शन में तुमको है Na3PO4, ठीक है। तो एक ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, Na3PO4, हाँ गम, ठीक है। तो गम ये जो है जो 3 है, Na3PO4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 के ऊपर। एवोगाड्रो, तो एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 6.022 × 10³ ना। तो एक इसमें तुमको ऑप्शन नंबर क ख ग हो गया है ना, तो घ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, घर। उस तो टाइप करने में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, वो ध्यान नहीं रहता है। मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो यानी ये मिली लीटर में, तो ऑप्शन कट जाएगा, यानी ख हो जाएगा, 22.4 लीटर, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान 23 है, तो 46 ग्राम सोडियम में मोल की संख्या क्या है, ठीक है। तो मोल की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ग्राम में द्रव्यमान, ठीक है। क्या होता है, ग्राम में द्रव्यमान, और बटा क्या होता है, परमाणु घन है, तो परमाणु द्रव्यमान। उस तत्व का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। तो ग्राम में द्रव्यमान हमारे पास कितना है, 46, और इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 23 ना। यानी 2 मोल आ जाते हैं, 2 मोल किसमें है, गम में ना। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। आगे बढ़ दो। आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CHO हो तो यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो तुम सब लोग जानते हो बाबू कि अणु सूत्र बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, N गुना सरल सूत्र। तो सरल सूत्र इसका CHO ना है, सरल सूत्र इसका CHO है। एक तो चेक कर लेता हूँ, नहीं CH2O है, यह भी अभी गड़बड़ हो जाता है, CH2O है इसका सरल सूत्र, ठीक है। तो इसका है, यदि हम आणविक द्रव्यमान निकालना चाहें तो कार्बन का 12 ना, और हाइड्रोजन का 2 × 1, और प्लस ऑक्सीजन का 16 ना, तो 12 और 2 ना, 2 + 16 ना, तो 12 × 2 = 14, 16 क्या हो जाएगा, 30 ना। तो 30 से 120 कितना गुना है, 4 गुना ना है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ना, तो 4 आ गया। तो 4 गुना सरल सूत्र ना, तो CH2, 4 × CH2, ठीक है। तो 4 × CH2O ना, तो सी में 4 से गुना करोगे तो क्या होगा, C4 ना, एच 2 में 4 से तो करोगे 8 ना, तो C4H8O4,
C4A4 वो चार यानी ऑप्शन नंबर खराब हो जाएगा। ठीक है चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कौन जो है चतुष्परमाणु कणु है। चतुष्परमाणु कणु को मतलब कहा गया कि चार गो है, तो ऑक्सीजन में दो आ रहा है ना बाबू, O3 में तीन है ना, इसमें देखो दो ऑक्सीजन का एक नाइट्रोजन का तीन ना, यहाँ पर देखो तीन ऑक्सीजन का सल्फर का एक चार ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर चतुष्परमाणु का यानी चार। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, तो परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं बाबू, परमाणुता कहते हैं। ठीक है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणुता कहते हैं। आगे आ जाओ, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की जो संयोजकता होगी वो क्या होगी, तो अमोनिया में ऐसे भी नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है, तीन ही ना, यहाँ पर भी तीन, और अमोनिया में कह रहा है तो इसका मतलब है कि चार्ज, तो अमोनिया में नाइट्रोजन का चार्ज क्या होता है -3, हाइड्रोजन का क्या होता है प्लस है, क्योंकि तीन से देखो तो बैलेंस पर है कि नहीं, यानी तीन इसका। आगे आ जाओ, इथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र जो है जो C2H है, और क्या है इसमें फिर से मिट गया है C2H4O2 है, C2H4 और यह है O2 है, इसका सरल सूत्र क्या हो, तो सरल सूत्र बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सरल सूत्र बराबर जो है फॉर्मूला हो जाता है क्या हो जाता है, अणुसूत्र बटा N। ठीक है चल, तो अणुसूत्र इसका क्या है C2H4O2, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा CH2। ठीक है इसका एन का वैल्यू क्या आ जा रहा है, दो ना, दो आ जाएगा। ठीक है दो आ रहा है ना, तो CH2 यानी ऑप्शन नंबर ख। आगे आ जाओ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में आ जाओ, तो किसी तत्व के जो परमाणु है वह क्या होते हैं, तो किसी तत्व के सभी परमाणु के बाद खाली स्थान है। ठीक है खाली स्थान कहाँ कहाँ है, वहां पर मैं मार्क कर देता हूँ, तो सभी के बाद है खाली स्थान, सॉरी सॉरी सभी सभी परमाणु के बाद है खाली स्थान, यहाँ के बाद है खाली स्थान, और किसी रासायनिक को अनुपात के पहले है विचार से के बाद, ठीक है यानी यहाँ पर है खाली स्थान, और थर्ड में क्या है के पहले है खाली स्थान, और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है ना, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, सोडियम ग्राम परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर है खाली स्थान। ठीक है और 5 मोल अमोनिया NH3 का द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद है खाली स्थान। ठीक है चल, सॉरी बाबू कुछ क्वेश्चन मिस हो गया है, तो ये काम करता हूं कि आप सब लोग क्या कीजिएगा, बुक को खोल करके देख लीजिएगा, मैं सबका आंसर बता दूंगा 6, 7, 8 का मिस हो गया क्वेश्चन। ठीक है चल, तो पहले पर आ जाते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति में, किसी तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, या तो इसको हम सदृश भी बोल सकते हैं। ठीक है तो पहला का क्या हो जाएगा, समान बोलो, नहीं तो तुम इसका क्या बोल सकते हो, सदृश भी बोल सकते हो। ओके किसी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से क्या होता है, स्थिर अनुपात में न रहते हैं बाबू, अभी तुमको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताए थे, क्लोरीन का संकेत क्या होता है, एफ ना, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान इसका भी क्या हो जाएगा, 23 ना, 23 हो जाएगा। ठीक है ग्राम परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो यानी हम मोल की संख्या से निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान इसका 23 दे दिया है, ठीक है और तो इसका यदि 23 होगा तभी तो 1 मोल सोडियम हो जाएगा। ठीक है इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 23, 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान कर रहा है तो 5 मोल, तो 1 मोल अमोनिया का क्या हो जाएगा, अमोनिया का 14, हाइड्रोजन का 3 गुना 1 है ना, तो 14 3 17 होता, 17 5 85 हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 जो है जो तुमको क्या कह रहा है कि क्यूपरस क्लोराइड में क्यूपर कॉपर की संयोजकता क्या होगी, तो क्या है Cu2 और Cl2 ना कह रहा है, इसमें क्लोरीन का माइनस एक है तो कॉपर का भी क्या हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ना प्लस एक गुना प्लस दो करोगे तो प्लस दूना माइनस एक गुना माइनस, तो कर करके जीरो होना है, तो समझ जाता है इसका क्या हो जाएगा, प्लस एक। सेवन पर जो तत्व के परमाणु ही किसमें भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ना बाबू,
रासायनिक अभिक्रिया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि मानक ताप एवं दाब पर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन क्या होगा। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ने तो मोल निकालना था कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मोल होगा। तो CO2 ना तो 16 दूना 32, और कार्बन का 12 ना तो 32 और 12 क्या हो जाएगा 44। ठीक है, इसका यदि मोल निकालना चाहो तो मोल क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम मोल की संख्या निकालते हैं। तो मोल की संख्या क्या होता है, ग्राम में द्रव्यमान तो 44 बटा आणविक द्रव्यमान 44 ना, 44 बटा 44 यानी 1 मोल ना, तो 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर ना, इसका आंसर हो जाएगा क्या 22.4 लीटर, 22.4। अब आ जाते हैं सही गलत पर। 1 मोल कार्बन में 12 परमाणु रहते हैं बाबू, 1 मोल कार्बन में 12 परमाणु रहते हैं, क्या है गलत है ना। 1 मोल कार्बन में कितना रहता है बाबू, C12 मौजूद होता है। ठीक है, और परमाणु की संख्या कितना होता है 1 मोल में, 6.022 × 10³ ना 23। अणु परमाणुओं का बना होता है, अणु जो है जो परमाणुओं का बना होता है, बात सही है, अणु जो है परमाणुओं के संयोग से बनता है। ठीक है, अणु का जो निर्माण होता है वह क्या होता है, परमाणु के क्या करता है, जोड़ने से होता है। ठीक है, विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान समान होता है, नहीं ना बाबू, सबके परमाणु द्रव्यमान क्या होता है अलग अलग होता है। सिल्वर का संकेत एस है, गलत ना, सिल्वर का संकेत क्या है Hg ना, पारा का संकेत Hg ना, सही है। एक Mu बराबर C12 परमाणु के बारहवां भाग ना, ये बात तो सही है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 उत्कृष्ट गैस से 2 परमाणु होते, नहीं ना एक परमाणु को ना, 36.5 ग्राम HCl में अणुओं की संख्या इतनी है, सही है, चेक कर लेते हैं कि 36.5 ग्राम HCl में कितना मोल होगा। तो हाइड्रोजन का 1 ना और क्लोरीन का 35.5 ना, तो 36.5 आ रहा है कि नहीं, तो मोल की संख्या क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान और परमाणु आणविक द्रव्यमान और ग्राम द्रव्यमान दोनों 1 ना, 1 मोल ना, ये सही है। आगे आ जाओ, परमाणु सिद्धांत के जो प्रणेता कौन थे। तो सबसे पहले परमाणु सिद्धांत कौन किसने दिया था बाबू, सर जॉन डाल्टन ना, सर जॉन डाल्टन ने दिया था। आगे यौगिक परमाणु की परिकल्पना, ठीक है, यानी यौगिक परमाणु जो है इसकी जो है परिकल्पना सबसे पहले किसने की थी बाबू। ठीक है, तो इसकी भी जो यौगिक परमाणु जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसकी जो भी जो सबसे पहले जो परिकल्पना की थी इसने, एवोगाड्रो ने की। तो यौगिक परमाणु, तो सबसे पहले ऐसे तो यौगिक परमाणु के रूप में तुमको बताए थे जॉन डाल्टन ने, ठीक है, मगर इसका नया नाम अणु चेंज करके किसने क्या दिया था, ये वो गाढ़ो ने। ठीक है, चल, तो यदि यौगिक परमाणु के यदि सबसे पहले नाम किसने रखा था, डाल्टन ने, और इसको विस्तार से यदि चर्चा के ऊपर बात करें तो किसने किया था, एवोगाड्रो ने, और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था, अणु। तत्व के संकेत से आप क्या समझते हैं, ठीक, तो तत्व के संकेत से हमें क्या मिलते हैं कि तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, तत्वों के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है कि यदि हम जैसे हम हाइड्रोजन लिखे, यदि हम एच लिखे तो एच से हमें क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन है, सीए लिखे तो सीए से हमें क्या पता चल रहा है कि क्या है, क्लोरीन है, इससे हम कहाँ से पता चल रहा है, संकेत ना। और इसका डिटेल में और क्वेश्चन तुमको लघु तरीके पूछ रहा है तो उसमें मैंने डिटेल में बता दिया, बता दूंगा, ठीक है, कि संकेत का क्या मतलब होता है, तो घबराना नहीं। तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है, ठीक है, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान तत्व का क्या है कि जो तुमको इसको यदि हम लिखना चाहो तो मोल की संख्या का क्या होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान और बटा परमाणु द्रव्यमान ना, ठीक है, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ये तुमको क्या रहता है, दिया हुआ रहेगा कि इतना ग्राम परमाणु द्रव्यमान है, ये तो तुमको लिखना चाहो तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, मोल की संख्या बटा परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, मोल बटा क्या हो जाएगा, परमाणु मोल बटा क्या हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्राम परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा,
मोल गुना परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, मोल गुना परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आ गया है। सोडियम और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान 23.3, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान में का, तो Na और Cl लगा रहा है, तो Na का 23 न और क्लोरीन का 35.5, तो दोनों को जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा 58.5 न, 58.5 आ गया जो। Ca का परमाणु द्रव्यमान क्या है 40 है, तो CaCO3 का आणविक द्रव्यमान 100 है, तो CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशत क्या होगी, ठीक है, है? तो प्रतिशत क्या हो जाएगी टोटल बटा, जैसे सिंपल प्रतिशत निकालना वैसे तुमको निकालना, तो CaCO3 टोटल निकालना है तो टोटल वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तो 100 है ना, तो 40 ना है बाबू, Ca का परमाणु यानी कैल्शियम का ना पूछा था, 40 बटा 100 गुना 100 ना, तो 100 से 100 कैंसिल यानी 40%, ठीक है। तो नीचे क्या लिखा है, जो पूरे जो यहाँ पर जॉइंग दिया बनाएगा उसका कुल कितना आणविक द्रव्यमान होगा से, और ऊपर में कहा जाएगा जिस तत्व का हमें प्रतिशत निकालना रहेगा उस तत्व का परमाणु, ठीक है, गुना 100। परमाणु क्या है, ठीक है, तो परमाणु हम क्या कह सकते हैं कि तत्व का सूचितम कण, तत्व का क्या है सूचितम कण, सिंपल परमाणु। कैल्शियम नाइट्रेट, द कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है NO3 ना, NO3, और NO3 का चार्ज क्या होता है बाबू -1 चार्ज होता है, और कैल्शियम का चार्ज क्या होता है +2 ना, +2। इसको यदि फॉर्मूला में सेट करना चाहे तो क्या हो जाएगा Ca और NO3 ना, और इसका क्या हो जाएगा होल्ड, क्योंकि +2 को -2 करेगा तभी ना, क्योंकि तभी ना जीरो होगा, मैंने बताया कि कंपाउंड के नाम में जीरो का बहुत होता है, इसको +2 है तो इसको -2 लाइएगा तब ना, तो -2 लाने के लिए आपको 200 गुना करना पड़ेगा। तत्व की संयोजकता क्या होती है, तत्व की संयोजकता क्या होती है बाबू, आखिर यदि लिख लो कि जिस तत्व की यानी जिस तत्व का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 से 4 होगा, ठीक है, 1 से 4, तो उसका वैलेंसी यानी संयोजकता क्या हो जाएगी वही सेम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 से 4 हो जाएगा, और जिस तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 5 से 8 हो जाता है, ठीक है, 5 से 8, तो उसका जो वैलेंसी क्या हो जाता है 8 माइनस वैलेंस, ठीक है, तो संयोजकता होती है, तो 5 वाला की संयोजकता क्या हो जाएगी 8 माइनस 5 3 ना, 6 वाला के 2, 7 वाला के 1 और 8 वाला के। आयन क्या है, आयन हम किसको कहते हैं, ठीक है, चलो तो आयन एक समझने का चीज है, जैसे तुमको यदि कहे हुए ऐसे तो सिंपल हम यदि डिफिनेशन लिखना चाहते लिख लो कि आवेशित कणों को आयन कहा जाता है, ठीक है, आवेशित कणों को आयन कहा जाता है, आगे आ जाओ कि आवेशित कण कैसे है, जैसे बाबू जो धातु होता है, ठीक है, और अधातु होता है, जनरली दो तत्व दो प्रकार के तत्व होते हैं, ठीक है, तो जो सारे धातु और अधातु तत्व सब क्या खोजता है कि वह क्या हो वो बैलेंस रहे, यानी क्या हो अपने आखिरी कक्षा में क्या चाहे 8 इलेक्ट्रॉन चाहे, आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहे 8 चाहे, और धातु क्या करता है 8 इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी कक्षा में कैसे करता है इलेक्ट्रॉन के क्या करके त्याग करके, और अधातु क्या करता है इलेक्ट्रॉन ले करके, ठीक है, तो जो त्याग करता है उसका क्या हो जाता है +4 हो जाता है, और जो लेकर करता है उसका क्या हो जाता है -4, ठीक है, तो आयन क्या है आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं, और आयन क्या है कि वैसा तत्व जो क्या करता है सारे तत्व जो है अपने आखिरी कक्षा में क्या करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, ठीक है, तो धातु कैसे करता है 8 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और धातु कैसे 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है लेकर के, जो त्याग करता है उस पर चार्ज प्लस, जो धातु लेकर करता है उस पर चार्ज। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखें, तो कैल्शियम क्लोराइड ना, तो कैल्शियम का Ca ना, क्लोरीन के Cl, और कैल्शियम पर +2 चार्ज ना, क्लोरीन पर -1 चार्ज, तो इसका क्या हो जाएगा CaCl2। एल्युमिनियम नाइट्रेट ना, एल्युमिनियम और नाइट्रेट का क्या होता है NO3 ना,
Inner 3 पर -1 चार्ज और एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज ना, +3 चार्ज, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा एल NO3 के होल 3। ठीक है, आगे आ जाओ। अमोनियम क्लोराइड में, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH अमोनियम क्लोराइड में कर रहा है तो NH4Cl, इसमें तत्व तो कौन है, एक नाइट्रोजन, एक क्या हो जाएगा हाइड्रोजन और एक हो जाएगा क्लोरीन। ऑक्सीजन परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान क्या हो, तो ऑक्सीजन परमाणु ने कह रहा है, सिंपल हम O लिखेंगे। ठीक है, तो एक मोल का द्रव्यमान कह रहा है, तो एक मोल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जितना परमाणु द्रव्यमान होता है उतना ही ना, नहीं तो तुम निकाल लो सिंपल। एक मोल का द्रव्यमान कह रहा है तो क्या हो जाएगा, अभी तुमको द्रव्यमान निकालना रहता है यानी ग्राम द्रव्यमान, तो क्या होता है मोल, अरे भाई निकाल लो, मोल गुना क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, मोल गुना क्या हो जाता है परमाणु द्रव्यमान, मोल यहां पर कितना है एक ना, और परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का कितना होता है आठ ना, तो इसका जो है एक मोल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा 8 AmU ना। मोल में परिवर्तित करना है 28 ग्राम नाइट्रोजन और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मोल की संख्या बराबर क्या होती है, मोल बराबर क्या होता है ग्राम में द्रव्यमान बटा परमाणु का है तो परमाणु द्रव्यमान, अणु का है तो अणु द्रव्यमान, तो ग्राम में इसका कितना है 28 ना, और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14 ना, इसका क्या हो जाएगा 2 मोल, और 22 ग्राम ना, इसको भी मोल की संख्या तो 22 बटा कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालो तो कार्बन का 12 ना और ऑक्सीजन 2 गो है ना, तो 2 गुना और एक का होता है 16 ना, तो 12 + 32 ना, तो क्या हो जाएगा 44, तो 22 बटा 44 ना, तो कट करके आ जाएगा 1/2 ना, 1/2 यानी 0.5। आगे आ जाओ, परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए आजकल किस तत्व को परमाणिक माना गया है, कार्बन को नाबू, कार्बन उसमें भी कार्बन जो C12 जो है समस्थानिक रूप में, नाइट्रोजन का संकेतिक चिन्ह रासायनिक संकेत या संकेतिक चिन्ह का हो एन ना, समान द्रव्यमान वाले दो फ्लास्क ए और बी में से ए में 5 मोल CH, क्वेश्चन चेक कर दो CH क्या है, CH4 होना चाहिए, अति लघु का 17 नंबर, हाँ CH4 है और 5 मोल NH3 है, तो किसका भार ज्यादा होगा, तो हम सबका भार निकाल लेते हैं, तो भार बराबर क्या हो जाएगा मोल की संख्या बटा और मोल की संख्या गुना आण्विक द्रव्यमान, तो CH4 का ए और बी में से ना ये का 5 मोल है, तो 5 गुने CH4 का आण्विक द्रव्यमान, तो सी का क्या हो जाएगा 6 ना, और H4 1 × 4 तो 5 गुना, अच्छा सॉरी कार्बन का 12 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 12 + 4 ना, तो 12 × 4 16, 16 × 5 = 80 ना, 80 आ जाएगा ग्राम, इसका निकाल लेते हैं, 4 ना कर रहा है नहीं 5 मोल इसका भी है, तो 5 नाइट्रोजन का क्या हो जाता है 14, हाइड्रोजन का 1 × 3 ना, 5 × 14 = 17 ना, 17 × 5 = 85 ग्राम। ठीक है, तो किसका भार ज्यादा है 5 मोल अमोनिया का ना, हाँ हो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CH3 यहाँ पर होना चाहिए, CH3 COONa में घन आयन और ऋण आयन की पहचान करना। ठीक है, चलो तो CH4 पर क्या हो जाएगा +COONa। ठीक है, तो पूरा पर क्या हो जाता है COONa पर -1 का चार्ज होता है। ठीक है, और CH3 पर को क्या माना जाता है प्लस, ओके चलो, और यदि अकेले अकेले यदि कहते तब फिर सोडियम पर क्या हो जाता प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक ठीक है, चलो इस स्थिति में क्या हो जाता है COO पर कितना चार्ज हो जाता है, एक COO हो जाता है और इस पर चार्ज होता है -2, और Na पर क्या चार्ज होगा +1, और एक CH3 इस पर भी चार्ज। ठीक है, इसको दो तरह से देख सकते हो, एक हो जाएगा COONa और CH3, नहीं तो COONa अलग और CH3।
P4O10 अणु की परमाणुकता, P4 यहां पर होना चाहिए, निश्चित कर लेता हूँ। हाँ P4 है ना, तो 10 और 4 14 ना, जिसको परमाणुकता क्या हो जाएगी, 14। आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आवेश युक्त परमाणु किसको हम क्या कहते हैं, आयन, और परमाणुओं के समूह को जनरली क्या कहते हैं, अणु। ठीक है, चलो, नहीं तो ये दोनों को कंबाइन यदि तुमको लिखना चाहो, इसको हम यौगिक भी बोल सकते। किसी तत्व के परमाणु की संरचना के अध्ययन में माइक्रोस्कोप से की क्या प्रयोग होता है? तो माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं बाबू, तत्वों के रासायनिक गुणधर्म का पता लगाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, रासायनिक गुणधर्म का हम पता लगाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, रासायनिक गुणधर्म कहने का मतलब है कि कोई तत्व का है, उसमें उसका जो है परमाणु आकार उसका क्या है, उसके नाभिक का आकार कितना है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है जो किस प्रकार से रह रहा है, इस सब का पता हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा ही लगता है। ऑक्सीजन परमाणुओं के 2 मोल का द्रव्यमान, तो 2 मोल ना, तो 2 गुना परमाणुओं का द्रव्यमान कह रहा है, तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 8 ना, तो 2 मोल का क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी फिर से, 1 परमाणु का ऑक्सीजन का 16 ना, तो 2 गुना 16 यानी 32 ना, तो 32 ग्राम। चल अब हम लोग आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या कह रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम लिखें। तो स्थिर अनुपात का नियम तुमको ऑब्जेक्टिव के फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझा दिए थे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भार के हिसाब से उसका क्या रहता है, एक अनुपात में रहता है। ठीक है, चल इसमें जल का ले लिया मैंने उदाहरण, तो जल का क्या हो जाता है, H2O नवाबो, H2O हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, +1 गुना, अधिक करना चाहो तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, वाटर का हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 2 ना, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, और 2 और 16 का यदि तुम रेशियो निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, 2/16 यानी क्या हो जाएगा, 1:8 ना, 1:8। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम जल के भार के हिसाब से 9 भाग ले लेंगे तो 8 भाग उसका ऑक्सीजन हो जाएगा और 1 भाग उसका हाइड्रोजन हो जाएगा, समझ रहे हो, उसमें मैंने CO2 के जरिए समझाया था। तो स्थिर अनुपात का नियम यही है कि यदि भार के हिसाब से हम निकालें तो उसका क्या हो जाएगा, हर हिसाब से उसका अनुपात का होगा बराबर है, यानी कहने का मतलब है कि यदि तुम कल का पानी लियो तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार के हिसाब से अनुपात क्या होगा, यही हो जाएगा 1:8 का। यदि तुम समुद्र का पानी लिए हो तो उसका भी अनुपात 1:8 हो जाएगा, चाहे किसी भी तरह का पानी लो, मिनरल वाटर लो, तो उसका भी अनुपात 1:8। ठीक है, आगे आ जाओ दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या करे, किसी पदार्थ के एक कहाँ गया, हाँ, कि एक के 5.2 ग्राम दूसरे पदार्थ के इतना ग्राम के साथ संयोग करके इतना 7.9 ग्राम का प्रतिफल बनाते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि द्रव्यमान के अनुस्वरता का नियम क्या होता है, A+B C+D, यानी क्या होता है, या कोई प्रोडक्ट जो बनाता है उसको ऐसे समझे कि जो प्रोडक्ट बनाने के पहले उसका जितना द्रव्यमान होता है वही क्या होता है प्रोडक्ट बनने के बाद, यानी कोई पदार्थ का निर्माण यदि हो रहा है तो निर्माण के पहले जितना उसका द्रव्यमान होगा उतना ही कहा जाएगा निर्माण के बाद हो जाएगा, तो निर्माण के पहले इसका क्या है, तो 5.2 है ना, और 2.7 से संयोग करता है तो टोटल कितना हो रहा है, 7.9 ना, और क्या कर रहा है, 7.9 का ना प्रतिफल बना रहा है। ठीक है, तो बराबर हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, ठीक है, तो 7.9 7.9 रहे, तो A+B है और अरे भी बराबर है ना, तो यह स्वर्था का पालन कर। परमाणु की विशेषताएं क्या है, ठीक है, तो परमाणु की विशेषता बहुत सारा है, तो परमाणु की विशेषता क्या है, क्या क्या है, यह तत्व जो है जो प्रत्येक तत्व के यानी सभी गुणों में प्रदर्शित करता है। ठीक है, यदि किसी भी तत्व को हम यदि हम सोडियम लिए, ठीक है, यदि हम सोडियम के 1 परमाणु लिए हैं तो उसमें भी उतना ही गुण होगा जितना ही सोडियम के 2 परमाणु, ठीक
ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यदि एक परमाणु ने दो परमाणु, सबका गुण क्या होगा, वह समान होगा, यानी हर उसके परमाणु में गुण समान होते हैं। जैसे हम नमक का उदाहरण लें और नमक को पूरा बुक दें और बुक के बाद एकदम छोटा सा बुकनी को जीभ पर रखें, तभी वह क्या लगेगा, खट्टा ही लगेगा, और पूरा नमक का एक टुकड़ा लेकर तभी हमें खट्टा लगेगा। ठीक है, चलो ये तो पहला गुण हो गया, और इसका विशेषता क्या हो जाएगा कि परमाणु का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इसे हमें किससे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, और सभी तत्वों के जो परमाणु है क्या होता है, दिखने में क्या होता है, समान होता है, जबकि उसका गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर कि संकेत से क्या सूचनाएं मिलती है। तुमको मैंने कहा था कि लघुतरी क्वेश्चन, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊं संकेत से तुमको क्या क्या मिलते हैं। तो पहले तुम संकेत से यदि हाइड्रोजन लिख रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन का पता चल रहा है। ठीक है, और क्या करता है, वह किसी एक परमाणु को व्यक्त करता है, और क्या करता है, यह परमाणु द्रव्यमान को बताता है। ठीक है, चल आगे आ जाओ। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या कहते हैं कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है, जो C12 के परमाणु द्रव्यमान से के 12वें भाग से कितना अधिक होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। ये सारे डिप्लीशन वाले टर्म है, ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला टर्म नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, अणु की परिभाषा लिखिए। तो अणु क्या होता है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में रहता है। ठीक है, और इसका निर्माण क्या होता है, दो या अधिक परमाणुओं के संयोग से होता है। ठीक है, जैसे सिंपल H2 हो गया, तो H2 का निर्माण क्या हो रहा है, H और H से ना, ये क्या हो गया, अणु हो गया H2, और H सब क्या हो गया, परमाणु। आगे आ जाओ, अणु की दो विशेषता लिखो। तो अणु को वही सेम विशेषता हो जाएगा जो परमाणु का होता है। इससे भी क्या होता है, अणुओं के गुण सदी, अणु का गुण जो है वही पदार्थ का गुण हो जाएगा, और सभी पदार्थ के जितने भी अणु सब क्या होते हैं, एक समान। पदार्थ की मोल से आप क्या समझे, तो मोल का मतलब क्या होता है कि मोल जो है, जो पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल कण, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु न्यूट्रॉन अणु आयन की संख्या जो है, जो C12 के परमाणु की संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब क्या बन जाता है, ठीक है, कि यदि हम एक मोल चर्चा कर रहे हैं, यदि तुम एक मोल सोडियम में इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हो, ठीक है, एक मोल सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, आंसर क्या हो जाएगा, 6.022 × 10³ हो जाएगा। एक मोल सोडियम प्रोटॉन पूछे हो तो उसका भी आंसर यही हो जाएगा। एक मोल सोडियम में परमाणु तो उसका भी आंसर यही, एक मोल में न्यूट्रॉन उसका भी यही, अणु यही, आयन सब कुछ यही हो जाएगा। पदार्थ के रसायन, तो सोडियम सल्फेट ना, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4, और SO4 पर चार्ज क्या होता है, -2, और सोडियम पर प्लस सेकंड, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO4। सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, तो तीन गो ऑक्सीजन ना, बेरियम नाइट्रेट, तो बेरियम के Be ना, नाइट्रेट के Na3, नाइट्रेट के चार्ज का होता है -1, और इसका का होता है +2, तो इसको भी हमें करना है तो जोड़ना ना पड़ जाएगा Na3 के। आगे आ जाओ, अब आ जाते हैं यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर। दीर्घोत्तरीय क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि बहु परमाणुक अणु क्या है, कुछ उदाहरण देकर के समझाना। तो बहु परमाणुक अणु क्या है, यानी चार से अधिक यदि परमाणु है तो उसको हम बहु परमाणु कण कहें। जैसे A60 में, A60 में कितने हैं, 8 हैं, इसमें क्या है, 4 है, 5 है, इसमें क्या है, 3 × 1 = 4, ये सब क्या है, बहु परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के 5 मान्यता लिखे। ठीक है, तो डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के 5 मान्यता हो गए कि सभी पदार्थ क्या होता है, सूक्ष्म कणों से बने होते, जिसे परमाणु कहते हैं, परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता है। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कहा तो परमाणु को न तो निर्माण किया जा सकता है, नहीं रासायनिक परमाणु नश्वर होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ठीक है, और सभी परमाणु के जो है आकार द्रव्यमान और रासायनिक गुण सारे उसका क्या होता है, समान होता है। परमाणु का क्या होता है, विभिन्न परमाणु तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार द्रव्यमान और रासायनिक गुण वाले, ठीक है, और रासायनिक संयोग से दो या अधिक तत्वों के परमाणु को संयोग करके क्या बनता है, जोड़ का निर्माण। आगे आ जाओ, किसी तत्व की संयोजकता को हमें व्याख्या करना है, संयोजकता किसको करें, तो हम एक सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल दोनों से समझा देते हैं।
इसका आज बहन अथी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो कहाँ जाओ, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ठीक है। और इसका यदि तुम निकालना चाहो तो कहाँ जाओ, 1s2, 2s2, 3p6, ठीक है। और 3p6 के बाद हो जाएगा, अरे सॉरी बाबू, 2p6 और उसके बाद हो जाएगा 3s2 और 3p, ठीक है। तो संयोजकता जो है, जो क्या होता है संयोजकता, हम किसको कहते हैं, आखिरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसमें आखिरी सेल 3 नहीं है यानी आखिरी कक्षा में, जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 नहीं है, इसका आखिरी सेल क्या है, 3 है, तो 3 में 5 2 7। तो यदि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो, उसका संयोजकता भी कहा जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। तो जिसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका संयोजकता 1, तो सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया यानी इसका 1 हो जाएगा। और जिसका संयोजकता 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो, तो उसका संयोजकता क्या होता है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका 7 है तो 8 माइनस 7 यानी क्या हो जाएगा, ठीक है, संयोजकता ये होता है। आगे बढ़ जाओ, सरल सूत्र और अनुसूत्र में क्या है, तो अनुसूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, एन गुना सरल सूत्र, सरल सूत्र का होता है अनुसूत्र बटा, ये सिंपल फॉर्मूला है, यही इसका अंतर, ठीक है। ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या होगा, Ca3PO4 के, ठीक है। चल, तो Ca3 में तो कैल्शियम का क्या हो जाता है बाबू, यदि तुम कैल्शियम का यदि तुम जानते हो, तो कैल्शियम का क्या होता है, 40 ना, तो 40 कैल्शियम 3 गुना है, तो 40 गुना 3 प्लस फास्फोरस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, PO4 के होल 2 है ना, तो P2 को हो गया ना, अब फास्फोरस का क्या होता है, 31, 31 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन 4 दूनी 8 ना, तो 8 गुना क्या हो जाएगा, 16 ना, तो 8 गुना। आगे निकाल लो, तो 40 या 120 और प्लस 65 ना, और 16 8 क्या हो जाता है, 28 8 से, तो 8 2 10, 8 2 10 क्या हो, 8 2 10 हो जाएगा ना, 10 और 2 6 2 8 2 10 1 11 ना, 11 1 1 2 1 3 ना, तो 310 AM। कैलकुलेशन चेक करना, हो सकता है कैलकुलेशन में गलती भी हो जाए। अगला क्या है, H3PO4 है, ठीक है। चलो, तो H3 ना, तो हाइड्रोजन 1 3 गुना हाइड्रोजन, तो 3 फास्फोरस 1 ना है, फास्फोरस का 31 ना, 31 ऑक्सीजन 4 4 गुना है, तो 4 गुना 16, 3 प्लस 31 प्लस 16 64 ना बाबू, तो 4 1 5 3 8 ना, 8 और 6 3 9 98 AM। आगे आ जाओ, आगे क्या दे दिया तुमको, H2SO4 का ना, H2SO4, तो हाइड्रोजन का 2 ना, तो 2 गुना 1 मैंने 2 हाइड्रोजन 1 इसका मास, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 4 गुना 16, 2 प्लस 32 प्लस 64 ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 98 ना, 98 AM। एक और बच गया तुमको, NaNO3, सोडियम का 23 ना, 23 नाइट्रोजन का 14 ना, 1 गुना, प्लस ऑक्सीजन का 16 ना, तो 3 गुना 16, तो 23 प्लस 14 प्लस 48 ना, 48, तो 23 और 14 क्या हो जाएगा, 37 यानी 8 4 9 3 12, 1 ना 4 1 5 2 7 1 8 82। कैलकुलेशन चेक कर, 6 पर आज आखिरी क्वेश्चन पर, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए कह रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कैल्शियम का सी ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है, HCO3, और HCO3 का जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, -1 होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaHCO3 का उल्टा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ना, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का क्या होता है, HSO4, ठीक है, और HSO4 का चार्ज होता है -1, सोडियम का प्लस 1, सिंपल है फॉर्मूला। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम और सल्फेट का SO4 ना, SO4 एल्यूमिनियम का +3 चार्ज होता है, इसको हम क्या लिख देंगे, SO4 के होल 3, एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, 2।
एल्यूमिनियम पर प्लस तीन चार्ज ना, क्यूपरस क्लोराइड, ठीक है। अब क्यूपरस और क्यूपरिक, अब यहां पर गौर कर लो बाबू कि क्यूपरस क्लोराइड यानी क्यूपरस में क्या हो जाता है, कॉपर का जो चार्ज होता है प्लस वन हो जाता है, तो क्यूपरस क्लोराइड यानी क्या हो जाएगा, CuCl लिखो, नहीं तो तुम Cu2 और Cu अति सॉरी Cl2 भी लिख सकते हो। कॉपर सल्फेट, तो Cu सल्फेट का SO4 ना, इसका फिर चार्ज प्लस टू होता है CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, मोल के महत्व प्रकाश डालना है, ठीक है। चलो, एक मोल यौगिक में, तो मोल के महत्व यानी हम सिंपल लिखते हैं, डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या करता है, पदार्थ के इतने कणों को निरूपण करता है, एक मोल यौगिक में इतना, एक मूल तत्व में इतना, एक मूल पदार्थ का आयतन, सिंपल। अब एक सिर्फ के अंकित प्रश्न वो आपको नेक्स्ट वीडियो में